दीदी। आपको विश्वास नहीं था ना हमारे ऊपर, वो आ गए। क्या? नागपंच, नागपंच आ गए। अच्छा, अब ये नागपंच फिर से मेरे कब्जे में होगा। नागपंच की रानी वो पारो और उसके माथे में लगी वो नागमणि मेरी होगी। नागपंच की रानी पारो और उस नागमणि को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नागवंश कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। हर हर महादेव। बड़ा बोल रही थी, अब क्या होगा? साफ नहीं आए तुम्हारी पूजा तो खत्म भी हो गई। आज जो हुआ ना उससे कुछ सीखो और अपने अंधविश्वास से बाहर निकलो। मगर हमने तो नागवंश को आते हुए देखा, फिर एकदम से गायब कैसे हो गए सब? क्या हुआ? बोलो, परेशानी है? हम आते हैं ना, सबके सब नागवंश कहाँ चले गए? मारो बेटिया, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रही है? काका, हमारे नागवंश, हमने अभी अभी नागवंश को मंदिर में आते हुए देखा, मगर पता नहीं आते आते कहां अचानक से ओझल हो गए सारे के सारे। काका, हमें ना उम्मीद थी कि नागवंश को देखकर शंकर को सब कुछ याद आ जाएगा, मगर मगर अचानक से कहां चले गए सब? खिचली, जिस तरह से यहां पड़ी है ऐसा लगता है कि कोनो बड़े खतरे में, कोनो जबरी किया है उनके साथ। काका, ऐसा किसने किया होगा? ऐसा तो केवल चुड़ैल कर सकती है। लगता है वो लौट आई। Thank you.
रानी जो चाहती है वो पाकर रहती है, ये तो होना ही था। माने वो चुड़ैल वापस आ गई है, पिछली बार की मार काफी नहीं थी उसके लिए। हमारे नागवंश को कैद करके बहुत बड़ी गलती कर दी तू चुड़ैल। पिछले जन्म में किया वादा इस जन्म में निभाएंगे, अपने नागवंश को हम जरूर बचाएंगे काका।